आप आमिर को कैसा देख रहे हैं? आमिर को आप समझते हैं कि अभी भी इतने कैपेबल हैं कि पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बन सकती है? यार देखिए, आमिर की कैपेबिलिटी पे तो मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो बहुत कैपेबल बॉलर है और बड़ा अच्छा बॉलर है और उसने बड़ा परफॉर्म किया हुआ पाकिस्तान के लिए। सो उसकी कैपेबिलिटी पे तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है। आई होप कि वो अच्छा परफॉर्मेंसेज अच्छी करे और आके वापस कम बैक करे पाकिस्तान टीम में। ये भी बताइए कि अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट, कई लोग कह रहे हैं कि उसके इम्कान रोशन हो जाएंगे, तो उससे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल किस तरह देखें? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो हमेशा से कंपेटिटिव क्रिकेट रही है और ऑब्वियसली जो नए चेयरमैन साहब आए, जो नए लास्ट जो इमरान खान साहब थे, उनका जो डिसीजन था उसके हिसाब से ख़त्म थी। अब चांसेस हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट की वजह से बने हैं और काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको, उनको फ़ायदा हुआ क्रिकेट खेल के भी और सैलरीज की वजह से भी। तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा शुरू होती है। अच्छा वहाँ भाई, बहुत सारे कमबैक्स आपने किए हैं, तो अब एक बार फिर कमबैक करने के लिए कितने पुर उम्मीद है? और ये भी बता दीजिए कितने कमबैक कर चुके हैं? यार कमबैक्स का तो पता नहीं है, लेकिन पुर उम्मीद मैं ज़रूर रहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश करूँ, परफॉर्मेंसेज करूँ। अभी वनडे कप है खेला, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और अब मेरा जो नेक्स्ट है वो 100 बॉल्स के लिए मुझे जाना है, जो फिलहाल इस वक्त मेरा जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है, तो एम किया हुआ है कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा वर्ल्ड कप से पहले, या कोशिश करूँगा कि जो सेलेक्टर्स की अटेंशन है वो ग्रैब कर सकूँ, परफॉर्म करूँ वहाँ पे और कोशिश करूँ एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलूँ। भाई, जिस तरह हमने देखा है कि गुज़श्ता दौर में हुआ है कि हुकूमतें बदलती हैं और सियासी तकर्री होती है चेयरमैन की, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, चेयरमैन जो अभी रमीज राजा साहब हैं, क्या वो भी इमरान खान की भी ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, उनकी भी सियासी तकर्री थी, क्या उनको खुद मुस्ताफी होना चाहिए या इस तरह का कोई लॉ ऐसे आ जाना चाहिए कि वो कंटिन्यू करे जो भी हुकूमत है? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन किधर कैसे कंफर्टेबल। आई थिंक जो पैटर्न चीफ हैं वो अब मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और ऑब्वियसली वो अब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, तो उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किसको, रमीज राजा साहब को चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें या वो कोई अपना जो उनको बेहतर लगता है वो लेके आते हैं। बट देखना ये चाहिए कि जिस शख्स ने भी काम अच्छा किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, अगर उससे उससे फ़ायदा हो रहा है तो वो क्यों नहीं रह सकते। तो आई थिंक डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल तरीके से ही होंगे, उसमें हमारी कुछ ज़्यादा से नहीं है। 2015 में आपने जिस तरह स्पेल किया था ऑस्ट्रेलिया में, और अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, मैंने जिस तरीके से कहा कि मेरा काम है परफॉर्म करना, मैं कोशिश करूँ जहाँ पे भी खेलूँ, डोमेस्टिक या जो भी मुझे लीग्स या कहीं पे भी मौका मिल रहा है वहाँ पे मैं मोस्टली जो है परफॉर्मेंस करूँ और कोशिश करूँ कि सेलेक्टर्स की अटेंशन ग्रैब करूँ। इस वक्त हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है, होपफुली यू नेवर नो, कभी भी मौका बन सकता है, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो क्यों नहीं वर्ल्ड कप में जाके दोबारा एक्सप्लोर किया जाएगा। पैटर्न चेंज हुआ है, आप समझते हैं पैटर्न को चाहिए कि दोबारा से अपने ख्यालात इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करें? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट मैंने जिस तरह पहले कहा कि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को, उनको क्रिकेट खेल के भी फ़ायदा हुआ और ऑब्वियसली जब आपको जॉब्स मिली होती है तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन होती है प्लेयर्स के लिए। और आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कितना शौक और कितने क्रिकेटर्स जो हैं वो खेले हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट, और हम खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल के बहुत ज़्यादा पॉलिश हुए। तो लेट्स होप कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आए, ना कि क्रिकेट को हेल्प करे, इवन के जो फाइनेंशियली जो प्लेयर्स हैं उनको भी हेल्प मिले उससे। सर देखिए, ख्वाब जो है वो इंसान सोते हुए भी देखता है और जागते हुए भी देख रहा है, और ख्वाब तो है कि पाकिस्तान खेलना दोबारा। सो इंशाल्लाह उसके लिए मैंने कहा कि कोशिश करूँ, बस दुआ करें, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है जी, करें शुरू। भाई, आप यहाँ पे आए हैं आज नौजवान खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि जब स्टार क्रिकेटर्स नौजवान खिलाड़ियों से मिले तो उनकी काफ़ी हौसला अफजाई होती है, तो आपने आज कैसा देखा है यहाँ पे? देखिए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना पड़ेगा गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को, जिन्होंने ये ग्राउंड लिया DHA में, और ऑब्वियसली यू नो काफ़ी कम्युनिटी है यहाँ पर, और आके जिस तरीके का माहौल देखा, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ देखी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा एडिशन है और बच्चे जो है वो यहाँ पर आएंगे और अच्छा इन्जॉय करेंगे।